भोपाल में अगले साल से 1 जून को सरकारी छुट्टी रहेगी, यह घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को भोपाल विलीनीकरण और भोपाल गौरव दिवस के मौके पर की। उन्होंने एक शोध संस्थान बनाने की बात भी कही, जिससे युवा पीढ़ी को राजा भोज और रानी कमलापति का इतिहास बताया जा सकेगा। आज भोपाल गौरव दिवस है और भोपाल का स्वतंत्रता दिवस भी है। 15 अगस्त 1947 को भोपाल आजाद नहीं हुआ। भोपाल के नवाब ने भोपाल रियासत के भारत में विलीनीकरण से इनकार किया था और तब भोपाल को स्वतंत्र कराने के लिए यहां जन आंदोलन चला था और लोहपुर सरदार वल्लभ भाई पटेल के सख्त रुख के कारण और जन आंदोलन के कारण भोपाल के नवाब विवश हुए भोपाल के भारत में विलीनीकरण के लिए। आज 1 जून को ही भोपाल भारत का अभिन्न अंग बना था, इसलिए तय किया है कि 1 जून को ही भोपाल का गौरव दिवस मनेगा। मैं सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, शहीदों को जो बोरास में शहीद हुए थे, उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। भोपाल वासियों को भोपाल गौरव दिवस और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बधाई देता हूं। भोपाल का सही इतिहास सामने आना चाहिए, इसलिए हम एक शोध संस्थान जो भोपाल पर शोध करेगा, जैसी एक रचना बनाएंगे और 1 जून चूंकि भोपाल का सही में तो 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस नहीं हुआ, देश भर का है, हम स्वतंत्रता दिवस यहाँ उत्साह से मनाते हैं, लेकिन 1 जून को भोपाल भारत में मिला था औपचारिक रूप से, इसलिए 1 जून को गौरव दिवस भी मनेगा और उस दिन अवकाश रखा जाएगा ताकि बच्चों के दिमाग में भी, आने वाली पीढ़ियों को भी पता रहे कि भोपाल 1 जून को विलीन हुआ भारत में, और हम उन क्रांतिकारियों को और शहीदों को याद कर सकें जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया भोपाल को भारत में विलीन करने के। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ था, लेकिन भोपाल स्वतंत्र नहीं हुआ था। यहाँ के नवाब ने भोपाल रियासत को भारत में विलीन करने से इनकार कर दिया था, तब विलीनीकरण आंदोलन चला था। लगातार 2.5 साल भोपाल रियासत में रहने वाले लोगों ने भोपाल को भारत में विलीन कराने के लिए आंदोलन किया। बुरास में हमारे लोग शहीद हुए, भोपाल भारत का हिस्सा बने, इसलिए खून की अंतिम बूंद तक दे दी। भोपाल से मृदुभाषी प्रदेश के लिए प्रशांत शर्मा की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।